फेस वॉश का नाम लेते ही हमारे माइंड में पतंजलि, क्लीन एंड क्लियर, गार्नियर, लॉरियल और न जाने क्या क्या नाम आते हैं। और आप इन्हीं में से कोई एक फेस वॉश यूज़ कर भी रहे होंगे या फिर आपने कर लिए होंगे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे फेस वॉश को घर से बाहर फेंक देने वाले हैं। वैसे फेंकना मत वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा ना हो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे ही फेंक दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि अब आपको करना क्या है, क्या स्टेप उठाना है, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि अगर आपने अभी तक इन फेस वॉश को यूज़ किया है या कर लिया है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सच में वो फेस वॉश जिन्हें आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कर रहे हैं वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम को और कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। अब यार देखो, इनमें इतने केमिकल थोप थोप के भरे जाते हैं जिसकी कोई नाप तो नहीं है, क्योंकि यार देखो बनाने वाले तो इन्हें लगाने से रहा क्योंकि उसे खुद को पता है कि इसमें कितने हार्मफुल केमिकल है आपकी स्किन को ये अंदर से और डैमेज कर रहे हैं। पिंपल्स गायब करना तो छोड़िए, पिंपल्स में पॉल्यूशन कंट्रोल तो छोड़िए, आपकी जो स्किन की एक नेचुरल शाइनिंग है वो ये आपसे छीन रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और हम जैसे पागल है एडवर्टाइज देखते हैं, ये हमें गोरा कर देगा, ये हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ये हमारी सारी चीज़ों को दूर कर देगा, पर्स में डाल लेते हैं बिना सोचे बिना समझे। इंग्रेडिएंट लिस्ट तो हमने आज तक चेक ही नहीं की है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ही इंडिया के मार्केट में, हमारे भारतीय मार्केट में कोई ऐसा फेस वॉश है जिसे हम अपनी स्किन पे बिना सोचे समझे बिना किसी साइड इफेक्ट के यूज़ कर सकते हैं। तभी फोकस करके देखना कि एक ही ब्रांड की दो वैरायटी होती है, दो सेम फेस वॉश होते हैं लेकिन दोनों के इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो सेम होती है। वैरायटी अलग अलग है, ब्रांड एक है लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट सेम है। हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है? जब आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट सेम है तो दो फेस वॉश अलग अलग वर्क कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये वेव को बनाने के काम है और हम बनते चले जाते हैं। शायद इसमें उनकी नहीं हमारी गलती है कि बिना कुछ सोचे समझे जाने पहचाने हम चीज़ों को खरीद लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आप इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे, कभी नोटिस कीजिएगा कि कभी भी आपको वहाँ पर अगर ये फेस वॉश बिल्कुल सही है, अगर इनमें इंग्रेडिएंट है बिल्कुल एकदम सही यूज़ हो रहे हैं तो फिर यहाँ पर 100% जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो शो क्यों नहीं की जाती है? ओनली 10% इंग्रेडिएंट ही हमें वहाँ पर मैंशन होते हैं, बाकी के 90% जो इंग्रेडिएंट है वो तो हवा हवा में होते हैं। क्यों? मेरा सवाल ये है, अगर आप सच में ही उनके अंदर कुछ अच्छे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है तो वहाँ पर 100% इंग्रेडिएंट मैंशन क्यों नहीं है? 10% इंग्रेडिएंट ही सिर्फ क्यों मेंशन होते हैं? यहाँ तक कि पतंजलि की मैं बात करती हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक होने का, जड़ी बूटी होने का दावा करता है, वो भी वहाँ पर मात्र सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट को बढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक बता देते हैं। लेकिन सतर्क आपको रहना है। और ये जितने भी हर्बल शैम्पू होते हैं यार, ये वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं लेकिन इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट यार वो कुछ और ही बयां करती है, कुछ और ही शो करती है। आप इनकी एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर आपको डिटर्जेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, कलर, पैराबिन, सल्फेट और ना जाने कितने कितने टॉक्सिक केमिकल भर भर के थोप थोप के इनमें भरे जाते हैं, डाले जाते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट फेस वॉश की कैटेगरी में हमारे कौन कौन से फेस वॉश आते हैं। देखिए, अगर आपको सच में ही फेस प्रॉब्लम है या फिर एक्ने पोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सब कुछ ट्राई करने के बाद, हर प्रोडक्ट, हर फेस वॉश ट्राई करने के बाद अगर अभी तक आपको रिलैक्स नहीं मिला है तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पाउडर फेस वॉश पे जाना चाहिए। पाउडर फेस वॉश इस तरह के होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पानी की ड्रॉप डालनी है एंड आपको उसे जस्ट फेस पे अप्लाई कर लेना है। इनमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, कलर नहीं होती है और जो भी चीज़, जो भी आपकी प्रोडक्ट होते हैं क्रीम फॉर्म में होती है उसमें इतने ही ज़्यादा केमिकल भर भर के होते हैं और जो प्रोडक्ट आपके पाउडर फॉर्म में मिलेंगे वो आपको उतने ही नेचुरल मिलेंगे और ऑथेंटिक होंगे। तो आप पाउडर फेस वॉश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपका टर्मरिक हुआ, आपका मसूर दाल का हुआ या फिर कोई भी जो आपको समझ में आता है आप चेक करोगे और भी बहुत सारे पाउडर आपको फेस वॉश यहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली है, आपके अफोर्डेबल रेट में आपको ये मिल जाता है। इसी के साथ ही BSD ऑर्गेनिक का फेस वॉश जो कि बहुत ही नेचुरल है, आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। पवित्रा फेस वॉश वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश जो कि आपको 100 ml का 275 रुपये में मिल जाता है। अगर इस तरह के प्रोडक्ट आपके बजट फ्रेंडली नहीं है, आपको ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ मैं ऐसे ऑप्शन दे रही हूँ जिसमें केमिकल तो होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड यहाँ पर कम केमिकल होते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो ममा अर्थ का फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है और साथ ही में आपकी स्किन के अंदर से सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और हर स्किन टाइप के लिए आपके लिए ये अवेलेबल है। इसी के साथ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एम के फाइन का फेस वॉश जिसे पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ। एज यू कैन सी कि मेरे पास फेस वॉश ये है क्योंकि सच में बेस्ट है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें केमिकल नहीं है, क्या केमिकल है? आप एक बार इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर सकते हैं लेकिन अदर ब्रांड्स को कंपेयर करके यहाँ पर केमिकल जो है इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है तो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा नहीं करेंगे
कहेंगे अच्छा फेस वॉश है, रेट में अच्छा है, और दूसरा चारकोल में भी इसमें आपको मिल जाएगा, और फेस के लिए चारकोल फेस वॉश है वे वैसे भी बेस्ट होते हैं। तो आप एम के फाइन ममा अर्थ पे प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं। चलिए अब उन फेस वॉश के बारे में डिस्कस करते हैं जिसपे पर्सनली मैंने रिसर्च की है, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, एंड इंग्रीडियंट लिस्ट चेक करने के बाद ही मैंने कहीं परचेज किया है। एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर एम के फाइन के अलावा दो ये फेस वॉश भी है। सबसे पहले बात करते हैं इस फेस वॉश की। यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज पर मैंने बहुत देखा था इसको, तो देन आई थॉट कि मुझे एक बार चेक करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद, इंग्रीडियंट लिस्ट चेक करने के बाद ही मैंने इसको परचेज किया है। और यहाँ पर यह है NEA स्किन केयर फेस वॉश। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे इसका पेज चेक कर सकते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ फॉर ऑल स्किन टाइप मेंशन है, एंड पपाया आपको फ्लेवर में मिल जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके इंग्रीडियंट में पपाया है जो आपकी आपकी स्किन में चमक लेके आता है, ब्राइटनेस लेके आता है। एंड दूसरा विटामिन सी विथ टी ट्री ऑयल, विटामिन सी और टी ट्री ऑयल के साथ ही आपको मिलेगा। आप इनके इंग्रीडियंट लिस्ट चेक करोगे, पैराबिन फ्री है, ऑफिशियल फ्रेग्रेंस है उसकी जो परसेंटेज है बहुत ही इसमें कम है। मतलब यहाँ पर केमिकल तो है बट एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड, एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट से कम है, और जितने कम हार्मफुल केमिकल होंगे उतने ही आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। तो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। और सेकंड फेस वॉश इज ऑर्गेनिक हार्वेस्ट 3-in-1 फेस वॉश। इसे भी मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है, एंड इवन इसका फेशियल जो किट है मैं यूज़ कर रही हूँ। देन आई थॉट कि मुझे ये चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि यहाँ पे जो मेंशन है वो क्या है कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब है ऑथेंटिक है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो एंड ये दावा करता है कि ये 3-in-1 फेस वॉश है, एक फेस वॉश 3 का काम करेगा। देखते हैं किस चीज का काम करेगा। क्लियर लिखा हुआ है कि पैराबेन फ्री है, साइड में पिक्चर मैं स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी। एंड उसके बाद आपको ये क्या काम करेगा, क्लीजिंग, स्क्रबिंग एंड वाइटनिंग। यूज करने के बाद, सच में ही जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एक बार मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी जो खासियत लगी वो इसमें ये लगी कि आपको, देखो इसको एक बार देखिएगा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको ये शो करते हैं जो इसका फोम है वो थोड़ा सा किस तरह का है, स्क्रबिंग का है। जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ, डेली जो स्क्रब होता है वो कर रहे हैं। तो ये दावा तो यहाँ तक का मुझे ठीक लगा एक बार यूज करने के बाद। एक बार मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं बात करती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, तो फ्रेग्रेंस पे आके मेरा जो सवाल है वो मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसकी फ्रेग्रेंस की जब बात करेंगे तो मेरे दिमाग में छड़ती है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है, अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे लगा ये, लेकिन फ्रेग्रेंस है मुझे सूट नहीं की। मतलब फ्रेग्रेंस के बाद मुझे, मेरे दिमाग है ना घूमने लग गया था, तो मैं इसलिए इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस है यार मुझे थोड़ी कम पसंद आई है। बहुत ज़्यादा दिमाग में छड़ने वाली है, मेरा दिमाग घूमने लग गया था, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कि क्या है, बट मुझे फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब भी जब मैं इसे स्मेल कर रही हूँ तो इतनी तेज फ्रेग्रेंस है इसकी कि वो डायरेक्ट हमारा मुझे हीट कर रही है। तो फ्रेग्रेंस के नाम पे मैं इसे हटाना चाहूँगी, बाकी वैसे अच्छा है। हो सकता है मुझे सूट ना करे लेकिन आपको इसके फ्रेग्रेंस सूट कर जाए, तो फ्रेग्रेंस की वजह से मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। बाकी एम के फाइन और एनी ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और दोनों में से मैं अगर आपको बेस्ट बताऊँ तो मुझे जो अच्छे लगे सबसे अच्छे एम के फाइन एंड ममा अर्थ। पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप किसी पर भी जा सकते हैं। बस इतना सा मैं आपको इस वीडियो में कहना चाहती हूँ कि जिसे अभी तक हमने अपने पॉपुलर कैटेगरी में इंक्लूड कर रखा था, उन फेस वॉश में टॉक्सिक केमिकल, हार्मिक केमिकल उतने ही ज़्यादा भरे जाते हैं, डिटर्जेंट तक इसमें यूज़ किया जाता है। आपकी स्किन को सिर्फ ये बर्तनों की तरह चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन स्किन एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बहुत ही सर्कुलर मोशन में बहुत जेंटली प्यार से ट्रीट करना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको इसमें समझ में आया होगा कि विच इज़ द बेस्ट फेस वॉश, किस तरह के फेस वॉश पे अब आपको जाना चाहिए, किस तरह के फेस वॉश का आपको स्किप करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इस वीडियो को देखा और आपने अभी तक के जो फेस वॉश थे सारे बाहर कर दिए, अदरवाइज आप मुझे गाली दोगे, ऐसा मत करना। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट हो जाना, परचेज मत करना। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस मुझे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी थी। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप बेस्ट से लेके कोई भी सीरीज देखना चाहते हो, बेस्ट शैम्पू, बेस्ट ऑयल या फिर कोई भी देखना चाहते हो, तो नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ।